मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत गणेशरा के निकट दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए और एक महिला को भी चोट आई है। दूसरे पक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर पहले पक्ष के साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब तक पुलिस पहुंची, तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे। घटना की जानकारी देते हुए सीओ रिफाइनरी वरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों का विवाद जमीन को लेकर हुआ था और मारपीट और फायरिंग भी की गई है। पहले पक्ष की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ईंटों का टोला लेकर के और पानी का टैंकर, बजरफूट, लेबर और कम से कम 50 और 100 पहलवान लेकर के गोपाल और गोपाल का लड़का श्याम आज यहाँ मौके पर आए और मौके पर आने के बाद में हमारी जो तार फेंसिंग जो लगी हुई है इसे उखाड़ कर फेंक दिया और बीच से यहाँ से होकर के जैसी भी चलाना स्टार्ट किया। जब हमने उनसे मना किया तो उन्होंने गाली गलौज की, हमारे साथ मारपीट की, गोलियों से फायरिंग की, पीछे भागा भगा करके गोलियाँ चलाई हमारे पीछे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी बनी हुई है। और हमने पुलिस से भी फ़ोन किया, 112 पर भी किया, 100 पर भी किया, नहीं लगा तो हमने SDM साहब के लिए कॉल किया। SDM साहब ने ये कहा पहले तो कि मैं यहाँ हूँ नहीं, कोई किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं CO साहब के लिए फ़ोन कर देता हूँ, CO साहब आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन 2 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई और 2 घंटे तक वो तांडव करते रहे, नंगा नाच नचाते रहे और हमको बहुत तेज़ी से मारा पीटा। फिर दोबारा से हमने जब SDM साहब के पास फ़ोन किया तो SDM साहब बोले कि भाई इसमें श्रीकांत जी का हाथ है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मैं इस समय बाहर हूँ। ये थाना क्षेत्र हाईवे जनपद मथुरा में गणेशना नामक स्थान पे एक प्लॉट को लेकर के दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष के लोगों को चोट भी आई है और उनका ये आरोप है कि जो दूसरा वाला पक्ष है, जैसे ही उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पूर्व ही जो आरोपी पक्ष है वो इन लोगों को चोट करते हुए हवाई फायरिंग करते हुए भाग गया। तो हवाई फायरिंग के संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी तक की जो स्थिति ये है कि जिन लोगों को चोट लगी है उन्हें थाने से मजरूबी चिट्ठी देकर के मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। शीघ्र ही जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी, थाने पर मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।